कल की 2898 AD मैं अश्वत्थामा बने हैं अमिताभ। यंग युग में नजर आई बिग बी, बोले मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है। जी दोस्तों, फिल्म कल की 2898 AD से सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का फर्स्ट लुक टीजर रिलीज हो चुका है। एक मिनट के इस टीजर में अमिताभ गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के किरदार में नजर आ रहे हैं। मैं गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा हूँ। टीजर में अमिताभ एक छोटे से बच्चे से बातचीत करते नजर आ रहे हैं, जो उनसे पूछ रहा है कि वो कौन है। यह बच्चा भगवान शिव की आराधना कर रहे अमिताभ के पास आकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वह कहता है कि मैं राया हूँ, आप कौन हैं? क्या यह एक मंदिर है? क्या आप भगवान हैं? उसे जवाब देते हुए अमिताभ कहते हैं, सुनो मेरा समय आ गया है, मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है। इसके बाद वो बच्चा पूछता है, आप हैं कौन? तब टीजर के अंत में अमिताभ कहते हैं, द्वापर युग से 10वें अवतार की प्रतीक्षा कर रहा मैं गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा हूँ। एक मिनट के इस टीजर का सबसे खास सीन वो है जिसमें अमिताभ बच्चन के यंग लुक को दिखाया गया है। इसी सीन को डी एजिंग टेक्नोलॉजी के जरिए शूट किया गया है। इससे साफ है कि फिल्म में अमिताभ के किरदार अश्वत्थामा की बैक स्टोरी भी दिखाई जाएगी। जी दोस्तों, फिल्म में अमिताभ के अलावा प्रभास, कमल हसन, दीपिका पादुकोण और दिशा पटानी जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। मेकर्स ने पिछले साल अमेरिका में हुए सैन डिएगो कॉमिक कॉन में इस फिल्म का टीजर रिलीज किया था। और इस फिल्म की रिलीज डेट के बारे में बात करें तो ये फिल्म कई भाषाओं में इस साल 9 मई को रिलीज होने वाली थी, पर इसे पोस्टपोन कर दिया गया। हालांकि मेकर्स ने अभी तक इसकी नई रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है। और फिल्म को बजट के लिहाज में देखें तो 600 करोड़ में बनी कल की 2898 AD इस साल की सबसे महंगी फिल्म है। इसे तेलुगु सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर नाग अश्विन ने बनाया है। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें चैनल को, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।